से दुखी करके तुम्हें सुख मिलता है क्या? हम बोले बात है, हमें इसे प्यार की जरूरत नहीं। हमने इसे कितनी बार कहा, यहां से चले जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और क्या कर सकते कैसी बात कर रहे हो बात तुम? तुम्हारी पत्नी है, कोई आया गया रिश्ता नहीं है, जब मन किया है और जब मन किया नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? अभी हमें याद है हमारी पत्नी है, हमें ये भी याद है कि बाकी प्रॉब्लम की तरह ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। तो क्या कह रहे हैं बताइए। सीधी सीधी बात यह है, इस रिश्ते के चक्कर में इन्हें झेल रहे हैं, वरना गम का यहां से बल्ला झाड़ दिया होता। तो दादी क्या करें, नहीं करते हम इधर से प्यार, हमने कोशिश भी की, नहीं होता इधर प्यार, जबरदस्ती करें नहीं हो रहा। दादी मीरा में पसंद नहीं है, जब से शादी हुई है दम उठता है हमारा। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हाँ कोई उम्मीद नहीं रखी हमने कभी आपसे, ना हमने कभी आपका वक्त मांगा और ना ही कभी कोई पत्नी का हक मांगा। बात हमने तो आज तक आपसे कभी कोई आस भी नहीं लगाई। कोई आस नहीं लगाई, तुम कहती नहीं हो लेकिन तुम ना चाहती हो। तुम्हारी जो आंखें हैं ना हमसे भीख मांगती है हमारे प्यार के लिए, सब सब तुम्हें लगता है हमें दिखाई नहीं देता, हमें सब दिखाई देता है मीरा। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो जानबूझ के नहीं किया जाता, हो जाता और हमें तुमसे प्यार नहीं होता मीरा, इसलिए कह रहे हैं ऐसे चली जाओ तुम। क्योंकि जब तक तुम इस घर में हमारे साथ रहोगी, चिपकी रहोगी ना, तुम्हें एक उम्मीद बनी रहेगी कि क्या पता काश हम तुमसे प्यार कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं यहां से चली जाओ। समझ नहीं पा, यहां डालो, यहां से चले जाओ मीरा। चलो सीन की बात करते हैं। इसमें मुझे पता चला है कि शायद मीरा मेरे साथ रहेगी तो इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और जिसके कारण इसे बहुत दुख उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ से चली जाए और खुश रहे, और इसलिए मैं अच्छा बर्ताव करूंगा तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, तो मुझे इसके साथ बुरा बर्ताव करना पड़ रहा है, जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि यहां से चली जाए। अब देखते हैं जाएगी कि नहीं, हमेशा की तरह ये मान जाएगी या मुझे बचा लेगी या चिपक गई है घर में। ऑडियंस भी चाहती है ना कि मैं चिपक जाओ पार से, तो बस तो ये नहीं बहुत अच्छा आता है। हम वो मैसेजेस भी पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं एंड तो कोशिश करते हैं लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसी तरह से हम अच्छे से सीन बनाए, अच्छे से शूट करें जो इमोशंस हैं, तो सामने वाले बंदे को भी रोना आ जाए, जो कॉमेडी है तो हंसना आ जाए। और अगर आप पार्थ और मीरा के सीन्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो वी ट्राई टू क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ केमिस्ट्री की वो लगे, वो इंटेंस पैशन दिखे प्यार के लिए जो दोनों के अंदर है। सो आई होप वो दिख रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते।